हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनिमल टिश्यू फ्रॉम द चैप्टर टिश्यू। आई विल स्टार्ट द टॉपिक एनिमल टिश्यू। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में बताया है कि एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज इस वीडियो में, जो कि पार्ट वन है, इसमें हम 2 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग फिर जो बचे हुए 2 टिश्यू हैं, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, उसको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर इन द एनिमल्स बॉडी। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एनिमल्स बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर है या कवरिंग है, ये कह सकते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं या कैविटीज़ हैं, उसकी लाइनिंग भी या उसकी कवरिंग भी करता है एपिथेलियल टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हमारे बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम हैं, उन सिस्टम्स को भी अलग अलग रखने में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू, ताकि हर सिस्टम अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, द लाइनिंग ऑफ द लंग एल्वेलाई, द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अगर उसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो दैट इज़ जो हमारा स्किन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारा माउथ है अंदर की तरफ, उस माउथ की जो लाइनिंग होगी वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। लंग्स में जो एल्वेलाई है, उस एल्वेलाई का जो इंटीरियर वॉल है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है। और किडनी के ट्यूब्यूल्स भी एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर द एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। कंटिन्यूस शीट कहने का मतलब है कि एक जैसे बुक है, बुक का एक पेज ले लेंगे तो वैसा कंटिन्यूस शीट बनता है हमारे बॉडी के कवरिंग के लिए एपिथेलियल टिश्यू का। द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंसेस बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इज प्रेजेंट बिटवीन देम। तो जो सेल्स हैं वो सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए हैं विद द सीमेंटिंग सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एज पेक्टीन। जैसा कि हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था, लिग्निन होता है और यहाँ पे पेक्टीन होता है। तो पेक्टीन क्या करता है, सेल्स को एक दूसरे से बांध के रखता है और इसके चलते उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं बन पाते हैं। एनीथिंग लिविंग और एंटरिंग द बॉडी हैज़ टू क्रॉस द एपिथेलियल लेयर। अब कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर जानी है या बॉडी से बाहर आनी है, उसको एपिथेलियल लाइन को क्रॉस करना ही होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो परमेबिलिटी है एपिथेलियल टिश्यू की, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन कौन चीज़ों को अंदर जाने देना है या कौन चीज़ों को बाहर निकालना है। एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में कौन सी चीज़ों का एक्सचेंज होना है, उन सब का खबर एपिथेलियल टिश्यू रखता है, या परमिशन देना है कि नहीं देना है, ये सब कंट्रोल एपिथेलियल टिश्यू में है। ऑल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है, जैसा कि हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कवरिंग है या प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसके नीचे कोई ना कोई दूसरा टिश्यू होगा ही। तो जनरली हम मान लेते हैं, अपना एग्जाम्पल लेते हैं स्किन का। स्किन के नीचे मसल है, यानी वो मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो स्किन हो गया एपिथेलियल टिश्यू, नीचे हो गया मस्कुलर टिश्यू। तो दोनों को अलग अलग रखने के लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, एक थिन लेयर होता है, जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को बाकी सभी टिश्यू से अलग रखता है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और चौथा है कॉलुमुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं क्या है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू
इन सिंपल स्क्विमस सुपरफिशियल टिश्यू सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग। तो जो स्क्विमस सुपरफिशियल टिश्यू है वो एक पेज की तरह, एक बुक की शीट की तरह या कॉपी की शीट की तरह कंटिन्यूस लेयर बनाता है और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनता है। मतलब कि अगर हम एक लेयर में सेल्स को अरेंज कर दें विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस तो एक शीट बनेगा, जैसे पेजेस होते हैं उस तरह का शीट बनेगा, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब बहुत ही डेलिकेट और सिंपल और फ्लैट फॉर्म में रहेगा, थिन रहेगा, सिंगल शीट की तरह रहेगा, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल इज ऑफ सिंगल लेयर, जैसा कि हमने बताया वो बिल्कुल सिंगल लेयर का होता है। इट कवर्स द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड माउथ। अगर प्रेजेंस पूछा जाए कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है तो दैट इज लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड माउथ। फंक्शन पूछा जाए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का तो क्या है, तो दैट इज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। तो दिस इज अबाउट द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और ये आपको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम दिख रहा है। ढेर सारे सेल्स हैं विद द न्यूक्लियस, जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं वो न्यूक्लियस हैं, और सारे सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं बिल्कुल, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर, और एक सिंगल शीट बना रहे हैं। तो ये हो गया स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अवर स्किन इज कवर्ड बाई स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा स्किन है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ही बना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा माउथ की लाइनिंग या ओसोफेगस की लाइनिंग सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बना है, बट जो हमारा स्किन है वो मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना है। तो जब स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मल्टी लेयर्ड हो जाए, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के कई लेयर एक साथ जुड़ जाएं और वो मल्टी लेयर्ड हो जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। तो यहाँ लिखा है सच मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियल इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। मतलब मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियल ही कई लेयर में जब हो जाएगा, मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, तब वो कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इट्स अ फंक्शन इज टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ द स्किन। और इसका फंक्शन क्या है, जस्ट टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ द स्किन। कभी चोट लग जाए या कट पिट जाए तो उससे प्रोटेक्ट करना इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन क्या है, तो दैट इज स्किन, और दूसरा है व्हाट इज इट्स फंक्शन, तो दैट इज वियर एंड टीयर ऑफ द स्किन। ये आपका देख लीजिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कई लेयर्स हैं इसमें, तो मल्टी लेयर्ड होने के चलते इसका नाम हो गया है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नाउ कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। व्हेन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर कॉलम लाइक, जब वो कॉलम जैसे होंगे, पिलर जैसे होंगे, तो उसको बोलते हैं कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू विथ माइक्रोविलाई एंड्स आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो एक इसका मॉडिफिकेशन ये हो गया कि कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू का जो एंड होगा, अगर वो माइक्रोविलाई है उसके अंदर, तो वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेगा और एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाएगा। दूसरा जो है, जो मॉडिफिकेशन है कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू का, वो सीलिया के साथ है, अगर उसके एंड में सीलियाज लगे हुए हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलेगा और म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करेगा। और जब सीलिया अगर लगा हुआ है कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू में, तो दैट इज कॉल्ड एज सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम लाइक सेल्स हैं, इसी को बोलते हैं कॉलमुलर एपिथेलियल। ऊपर के डायग्राम में माइक्रोविलाई बने हुए हैं और नीचे के डायग्राम में सीलिया बने हुए हैं, तो नीचे वाला सीलिएटेड कॉलमुलर, ऊपर वाला कॉलमुलर विथ माइक्रोविलाई। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियल। समटाइम्स अ पोर्सन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड मल्टीलेयर मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है अंदर की तरफ फोल्ड जाता है बॉडी में और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, यानी सलाइवरी ग्लैंड क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड हुआ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी एपिथेलियल टिश्यू हुई इन साइड में फोल्ड जाता है स्किन के और वो बनाता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड, या उसको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथीलियम।
नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, ये दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये सेकेंड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, जो हमने पहला पढ़ा हुआ था एपिथेलियल टिश्यू, ये दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जेल लाइक हो सकता है या फ्लूइड लाइक हो सकता है या डेंस लाइक हो सकता है या रिजिड हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह से समझेंगे जैसे आप पिज्ज़ा खाते हो और पिज्ज़ा का एक बेस होता है और बेस में ढेर सारे सब्सटेंसेस एम्बेडेड होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें डाली हुई होती हैं। तो ऐसा ही एक बेस होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स जेल लाइक हो सकता है, फ्लूइड लाइक हो सकता है, रिजिड हो सकता है, वो ये सब उसके लोकेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपन लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द एक्टिविटीज टू द बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर लोकेटेड है, उसका फंक्शन क्या है, एक्टिविटी क्या है, इस बेस पे उसके मैट्रिक्स का नेचर डिसाइड होता है कि मैट्रिक्स जेल लाइक रहेगा, फ्लूइड रहेगा, डेंस रहेगा या फिर रिजिड हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू के हमको जनरली तीन फॉर्म्स पढ़ने हैं, इसके अलावा और भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक्ट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में दो चीज़ें पढ़नी है, एक एरियोलर टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है दूसरा टाइप, उसमें हमको पढ़ना है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। और तीसरा होता है फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यू, फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यू। तो जो वैस्कुलर टिश्यू, ऑलरेडी हम प्लांट टिश्यू में आपको बता चुके हैं कि वैस्कुलर का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट में हम जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, लेकिन अगर यहीं एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में वैस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया ब्लड एंड लिम्फ। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि प्लांट्स में जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और वैसे ही एनिमल्स में ब्लड और लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए एनिमल्स का जो वैस्कुलर टिश्यू होगा वो होगा ब्लड एंड लिम्फ, और जो प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू होगा वो होगा जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये तीन तरह के मेन कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसके अलावा और भी हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले ब्लड के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड टाइप का होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में RBC मिलता है, WBC मिलता है और प्लेटलेट्स मिलता है, तीन चीज़ें मिलती हैं। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं। RBC का फंक्शन होता है, द RBC इज़ हैविंग हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन होने के चलते क्या होता है, इट हेल्प्स इन कैरिंग द ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। WBC वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्डर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं हमारी बॉडी का। इट फाइट्स विद द इन्फेक्शन, जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ट होती है वो WBC के हेल्प से ही बिल्ट होती है। एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जब भी कभी हमको चोट लग जाए, हमारा बॉडी कहीं से कट पिट जाए, तो जो ब्लड निकलना शुरू होता है उस ब्लड को रोकने की जो क्षमता है वो प्लेटलेट्स में होती है। प्लेटलेट्स वहाँ पे क्लॉटिंग करते हैं जिससे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, ब्लड का लॉस जो है रुक जाए, तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। तो ये तीन काम हो गए, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का अपना अलग अलग। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा मैट्रिक्स है जिसमें कि ये तीनों सेल्स फ्लोट करते हैं। द प्लाज्मा कंटेंस प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। अब यहाँ जो ब्लड में प्लाज्मा है, जो मैट्रिक्स है, वो क्या क्या चीज़ कंटेन कर रहा है, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, अब ये ब्लड का फंक्शन हो गया, कॉमन फंक्शन हो गया। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फ्लो करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड हेल्प करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हुआ पहला चीज़ ब्लड। नेक्स्ट है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, और इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बोन्स और कार्टिलेजेस हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को मानता है, जो कि पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क है और पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। देन जो मसल्स है वो इसी पर अटैच्ड हैं। देन ये जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं, यही हमारे सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने प्रॉपर प्लेस पर प्रेजेंट रहें। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, जो बोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, जबकि जो कार्टिलेजेस है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ट मैट्रिक्स, अभी हमने पढ़ा
कि जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है वो फ्लूड टाइप का होता है, और बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है यानी कि जो ग्राउंड मटेरियल है जिसमें कि सेल्स एम्बेडेड रहेंगे वो हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है। और हार्ड मैट्रिक्स किस चीज़ से बना है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बनता है, और यही कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन्स को बिल्कुल हार्ड बनाते हैं। जब मैट्रिक्स हार्ड हो जाएगा तो बोन्स अपने आप हार्ड हो जाएंगे। अब यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बोन्स, एज देयर मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन सुगर एंड स्लाइटली हार्डन्ड बाय द कैल्शियम सॉल्ट्स। मीन्स कि जो कार्टिलेजेस के मैट्रिक्स हैं उस मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस उतने लार्ज अमाउंट में नहीं रहते हैं, एंड दैट्स वाई जो कार्टिलेजेस हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द नोज एंड ईयर फोल्डिंग ऑफ द ईयर्स। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट हैं? नोज में है और ईयर में है। और कार्टिलेजेस के सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, और बोन्स के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये सेल्स हो गए बोन्स और कार्टिलेजेस के। नाउ लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और ये येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बनाता है लिगामेंट्स। इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग बोन्स टू बोन्स। जो हमारा एक बोन्स दूसरे बोन्स से जुड़ता है वो जुड़ता है लिगामेंट्स के हेल्प से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, व्हाट आर लिगामेंट्स? तो लिगामेंट्स आर येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग बोन्स टू बोन्स। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, इसमें इलास्टिक होता है एंड हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। और दूसरा है टेंडन्स। टेंडन्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाइड फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग मसल्स टू द बोन्स। जो हमारे मसल्स बोन्स में अटैच्ड हैं, चिपके हुए हैं, वो किसके हेल्प से चिपके हैं? विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। और ये टेंडन्स क्या है? वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। एंड दिस टिश्यू हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ डिफरेंस ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस क्या है? जो लिगामेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है और कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है, जबकि जो टेंडन्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। जो हमारा स्किन है और मसल्स है उसके बीच में मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड इन द नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। उसके बाद इट ऑल्सो फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो हमारा स्किन अटैच्ड है मसल्स के साथ वो अटैचमेंट है ड्यू टू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, नर्व्स में प्रेजेंट है, बोन मैरो में प्रेजेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जो हमारे ऑर्गन्स हैं या जो भी दूसरे पार्ट्स हैं उसमें अगर कोई स्पेस खाली रहता है तो उस स्पेस को भरता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो ये हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड बिल्कुल जो लास्ट है दैट इज एडिपोज टिश्यू। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये फैट स्टोर करता है एंड जस्ट फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे ही मिलता है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। तो एडिपोज टिश्यू के अगर सेल्स को देखेंगे तो उन सेल्स में फैट ग्लोब्यूल्स आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे। एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स, ये जो सेल्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के वो फैट्स को स्टोर करते हैं। जो भी हम फैट्स खाते हैं वो सारा फैट्स जा करके इसी में स्टोर होता है। अगर वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है तब हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो एक्सेस हो जा रहा है, तो जा करके एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा हो जाएगा। और ये एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे लेयर बनाता जाएगा एंड उसके चलते ओबेसिटी बढ़ती है। और इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। अगर हम स्नो कवर्ड एरिया के एनिमल्स को देखेंगे, ब्लबर जो कहते हैं, ब्लबर इज़ एडिपोज टिश्यू जो कि उनको ठंडी के समय में गर्मी देता है, दैट एक्ट्स एज इंसुलेटर। तो दिस इज़ अबाउट द एडिपोज टिश्यू। एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो बाकी दो रह गए मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।